नमस्कार दोस्तों, मैं डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पर यह हमारा 16वां वीडियो क्लास है और इस पर आज जो हम बात करेंगे इन 16 क्वेश्चन पर, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है सिरमोही का किला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये जो सिरमोही का जो किला है यह आपका लोहाघाट में है और लोहाघाट कहाँ पड़ेगा आपका चंपावत में। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो ये सिरमोही का जो किला है ये लोहाघाट चंपावत में है, लेकिन ये किसके कालीन है, किस वंश के कालीन है, ये आपके जो पवार वंश है उस पवार वंश के कालीन का ये आपका सिरमोही का किला है। आगे हम जो बात करेंगे यह है राजपुर कैनाल जो देहरादून में है का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो निर्माण करा रखा है वह कर्णावती ने करा रखा है, यानी कि जो कर्णावती थी कौन पवार वंश की, उन्होंने इसका निर्माण करा रखा है। और आपको जैसे कि उन्होंने इसके अलावा आपका देहरादून में ही नवेदा में अपना क्या बना रखा था, अपना राजभवन भी उन्होंने यहाँ पर बना रखा है। आगे क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत का जो कुमाऊं में अनुवाद है वो किसने कर रखा है। इसका जो कुमाऊं का जो अनुवाद कर रखा है यह है आपके हरि राम त्रिपाठी जी, यानी कि हरि राम त्रिपाठी जी ने कर रखा है और कब किया है 1906 में। आपको ये चीज याद रखनी है, राष्ट्रीय गीत जो है उसका कुमाऊं का अनुवाद 1906 में हरिराम त्रिपाठी जी ने। इसके बाद जो क्वेश्चन है, सुलेमान सिखों के साथ कितने मुगलों ने श्रीनगर में शरण ली थी। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे, तो सुलेमान सिखों है उसके साथ आपके एक तो श्याम शाह और श्याम जो आपके मौला राम के जो पूर्वज है, एक तो श्यामदास और हरिदास, वो दो उनके साथ आए थे, लेकिन वो टोटल पूछ रहा है कि उनके साथ कुल कितने शरणार्थी आए थे, तो जो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पर 17, यानी कि सुलेमान सिखों के साथ 17 लोग आए थे, उनमें से आपके श्यामदास और हरिदास भी थे आपके मौला राम के पूर्वज। आगे इसमें बात करते हैं, जो अलंकार पंचशिका है वह किसने लिखी है। जो ये अलंकार पंचशिका है दोस्तों, ये आपके जो मती राम द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम भी घुमक्कड़ थे इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को दोस्तों जो लिख रखा है आपके जो शेर सिंह पांगती हैं, शेर सिंह पांगती जी ने इस पुस्तक को लिख रखा है कि क्या हम भी घुमक्कड़ थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार जो सौखा जनजाति है उसके बारे में किसने लिखा। पहली बार यानी कि जो लिखा है वो आपके नैन सिंह रावत, आपको याद रखना है नैन सिंह रावत ने क्या, नैन सिंह रावत ने सौखा जनजाति के बारे में पहले लिख रखा है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जो माधव सिंह भंडारी हैं महिपति शाह के जो क्या थे सेनापति थे, उनके जो पुत्र का नाम है दोस्तों, उनके पुत्र का नाम यहाँ पर है गजय सिंह, तो उनका नाम क्या रहेगा गजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, जो हेमकुंड है इस हेमकुंड की खोज किसने की है। जो ये हेमकुंड है दोस्तों इसकी जो खोज की है वह सोहन सिंह ने की है, सोहन सिंह ने कर रखी, यानी कि पहले व्यक्ति आपके कौन रहेंगे जो हेमकुंड में पहुंचेंगे वो आपके सोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड में विष्णु ताल है यह किस जिले में है। उत्तराखंड का जो विष्णु ताल है दोस्तों वह आपके चमोली जिले में है, कहां पर है चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सुमेरु गुफा है यह सुमेरु गुफा कहाँ है। दोस्तों ये जो सुमेरु गुफा है यह आपके पिथौरागढ़ में, यानी कि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में आपका कौन सा रहेगा सुमेरु गुफा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो चारबाग आश्रम है उत्तराखंड में जो आपका चारबाग आश्रम है वह कहाँ स्थित है। ये जो चारबाग आश्रम स्थित है दोस्तों यह आपके बद्रीनाथ में स्थित है, यानी कि बद्रीनाथ यानी कि चमोली, आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो आपके उत्तराखंड का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि उत्तराखंड में जो पहला बजट प्रस्तुत किया था वह किन्होंने कर रखा है निशंक, यानी कि जो आपके कौन है रमेश पोखरियाल यानी कि निशंक है, उन्होंने क्या कर रखा है उत्तराखंड का पहला बजट पेश कर रखा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो मैकातोली ग्लेशियर है यह कहां पर स्थित है। जो मैकातोली ग्लेशियर है ये आपके कहां पर स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है। कौन सा ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो नंदा देवी जैव
मंडल कितने जिलों में फैला हुआ है? ये दोस्तों यहाँ पर तीन जिलों में फैला हुआ है। आपको ये याद रखना है, तीन जिले कौन कौन से हैं? एक आपका गढ़वाल का रहेगा, वो कौन सा है आपका? चमोली, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो आपका चमोली रहेगा और दूसरा आपका कुमाऊं का पिथौरागढ़ रहेगा और जो तीसरा इसमें रहेगा वह आपका कौन सा रहेगा? बागेश्वर रहेगा। यानी कि जो आपका नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित है वह कहां पर? वह उत्तराखंड में तीन जनपदों में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन है 15। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।